kids, there are lots of auxiliary verbs, but for your standard, I will use some 4 or 5 auxiliary verbs, which are is, are, was, and were. These are was and were. Okay, these are some 5 auxiliary verbs which I will teach you. Okay, kids. So in is, are, am. These are present verbs. Okay. These are present verbs, so we will use them only in present tense. Okay. And these was and were. These are past verbs. It means past auxiliary verbs. Okay, kids. So these are the verbs of present tense, and was are the verbs of past tense. Okay. So what is the difference between them? They show the time of speaking. Okay, when we speak something, when we tell something to somebody, and the time of speaking is the time of is the time present, and it is told about the past time when we have said something in the past tense, in the past time. So they will be used. Okay, kids. Now, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमको करना क्या है, इस आर एम को हमें कैसे यूज करना है, वॉस वर्ब को हमें कैसे यूज करना है, इनके हमें हिंदी अर्थ भी पता होने चाहिए. इस आर एम, किड्स, इस आर एम का मतलब होता है हाँ, हम, है, ही, या हूँ, और पास में वॉस वर्ब का मीन होता है था, थे, थी. अंडरस्टूड? तो जो था, थे, थी है, ऑब्वियसली वो पास की बात हो रही है, और है की बात होती है या ही की, या हाँ या हूँ की, तो वो प्रेजेंट की बात होती है. अब आपको ये देखना है कि किसका यूज किसके साथ होगा. तो जो इज है ना, इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. ओके, सॉरी, वॉज एंड इज का. ओके किड्स, ध्यान रखना, मैं दोनों का एक साथ बता रही हूँ क्योंकि दोबारा रिपीट करना पड़ेगा. इज एंड वॉज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और नाउंस के साथ में. वॉज इन सिंगुलर. ओके, वन मिनट, आई शुड राइट लाइक दिस वे. वॉज इज आर यूज्ड विथ सिंगुलर. Okay, nouns and subjects. Okay, kids, was and is are used with singular noun and singular subjects. Okay, are and were are used with plural noun and subjects. Okay, can you understand? Are and were are used with plural noun and plural subjects. Okay, was and is ka use aapko singular subjects ke sath mein karna hai, and was and were ka use aapko plural subjects के साथ करना है. सो किड्स, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने एम को नहीं लिया है. फर्स्ट, एम इज ओनली यूज्ड विद आई. ओके, एम किसी और सब्जेक्ट के साथ में हम यूज नहीं कर सकते. इट विल ओनली बी यूज्ड विद आई. ओके, एम इज ओनली यूज्ड विद आई. Used with I. And students, एक चीज और आप ध्यान रखना, I एक pronoun होता है, एक subject होता है,
कैपिटल फॉर्म में ही लिखना चाहिए, कभी भी इसको स्मॉल फॉर्म में स्मॉल लेटर में नहीं लिखना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कैपिटल आई. ओके किड्स, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वाज एंड इज आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड सब्जेक्ट्स, आर एंड वर आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड सब्जेक्ट्स, एंड एम इज ओनली यूज्ड विद आई. नाउ वी विल लर्न इट ओके बाय प्रैक्टिसिंग सम एक्सरसाइजेस. Like it is a dog. The correct auxiliary verb is
इसमें लास्ट में एस आता है, हैज में एस आता है, डज में एस आता है, वॉज में एस आता है, ओके किड्स। तो जिस भी वर्ब में एंड में एस आ रहा है वो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर होगी, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। उसके अलावा जो वर्ब्स होती हैं जैसे वन है, आर है, ये प्लूरल वर्ब्स होती हैं, जिनमें एंड में एस या एस नहीं आता वो प्लूरल वर्ब्स होती हैं, और उनका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं किड्स, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ भी करते हैं। सो मम्मी वॉज कमिंग टू मी, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.